हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने SBI का टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूं एंड प्लस वो किस ट्रेंड में जाने वाला है, कौन से ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, अपसाइड या डाउनसाइड, उस पे बेस एक स्ट्रेटजी भी, ऑप्शन की स्ट्रेटजी डेवलप करने वाला हूं मैं। जी हां, आपके सामने ये जो फिगर पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है ये स्ट्रेटजी मैं डेवलप करूंगा, लेकिन पहले मैं उसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि ट्रेडिंग का फंडा होता है, ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल यही होता है कि आपका कोई ना कोई टेक्निकल रीजन होना ही चाहिए टू डेवलप और टू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इन डेरिवेटिव मार्केट। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एनालिसिस एंड डेवलप करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, उसमें काफ़ी वोलाटाइल हो चुका है आजकल वो, लेकिन उन सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी टीम। आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस ऑफ SBI। ओके, अपने पास यहाँ पे SBI का टेक्निकल चार्ट ओपन है एंड यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे विजिबल है कि ये तीन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, पहला ट्रेंड लाइन जो इसके अपसाइड को, इसके हाई को कनेक्ट करता है, दूसरा ट्रेंड लाइन जो इस चैनल के लो को कनेक्ट करता है एंड तीसरा ट्रेंड लाइन जो कहीं ना कहीं मीडियन में ये इसका सपोर्टिंग एंड रेजिस्टेंस कवर करता है। अब इस ट्रेंड में देखें तो ये ट्रेंड लाइन ये सपोर्टिंग का काम कर रहा है, बट इस चैनल पे देखें तो यहाँ पे यही लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एंड ये जो कैंडल है फ्रेंड ये अपने हाई, मतलब क्या, ऐसे ट्रेंड लाइन जो इसके हाई को कनेक्ट करती है वहां पे ये अभी रुका हुआ है। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है यहां पे कि SBI का मूव क्या हो सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया तो यहां पे अपने पास एक रेजिस्टेंस लेवल बैठा है एट 574, लेकिन हर बार की तरह हम लोग क्या देखते हैं, यहां भी ये थोड़ा सा अपसाइड गया था बट वापस से ट्रेंड लाइन आया एंड यहां भी इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल जो था इसका, उसको ब्रेक किया एंड अब ये अपने हाई वाले रेसिस्टेंस लेवल पे मूव कर रहा है, मतलब ये जो पूरा का पूरा चैनल है ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। निफ्टी में भी देखें तो काफ़ी अच्छा एक रिकवरी देखने के लिए मिला है, बट अकॉर्डिंग टू OI ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करने वाला। हमने OI पे बेस्ड USDNR के लिए OI का एक सेमिनार रखा था, आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, बट बहुत सारे लोगों ने किया, अराउंड 940-950 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया, उनको बेनिफिट भी मिला एंड हमने कोर्स भी लॉन्च किया था ओपन इंटरेस्ट विथ USDNR, उसको हाथों हाथ सभी ने परचेज भी कर लिया। फिर से हमने एक नया बैच क्रिएट किया है फॉर 200 पीपल, काफ़ी कम प्राइस है, 4 घंटे का ये पूरा का पूरा कोर्स है, 2 दिन चलेगा, आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझ तक पहुंचो, कॉन्टैक्ट करो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब SBI अगर वापस से इस चैनल पे आता है तो अपना यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये काम करेगा सपोर्टिंग लेवल का। तो मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूँ मोर एन इवन 530 के आसपास का, 530-525 के आसपास का। तो इसी बिहाफ पे मैं अभी एक स्ट्रेटजी डेवलप करने वाला हूँ, इन केस अगर ये अपसाइड भी गया इसको रेंज को ब्रेक करके तो 574 जो अपना रेसिस्टेंस लेवल है उसको भी मैं टारगेट मानता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, पहला 520 जो कि अपना ये सपोर्टिंग लेवल है एंड दूसरा जो रेसिस्टेंस लेवल है 574 का, उसके भी आप पे मैंने एक स्ट्रेटजी डिस्कस की है, डेवलप की है, जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। ओके, चलिए फ्रेंड चलते हैं उस स्ट्रेटजी की तरफ एंड देखते हैं कि उस स्ट्रेटजी को मैंने डेवलप कैसे किया है एंड क्या फंडा है उसके पीछे। हम लोग आ चुके हैं अपने स्ट्रेटजी डेवलपमेंट वाले पार्ट पे एंड यहाँ पे मैंने 4 स्ट्राइक प्राइसेस लिए हैं। ठीक है, 2 कॉल एंड 2 पुट, 1 कॉल 1 पुट मैंने बाई किया है, 1 कॉल एंड 1 पुट मैंने यहाँ पे बाई किया है। ओके, एंड 1 कॉल 1 पुट मैंने यहाँ पे सेल
किया है, यहाँ क्लियरली विजिबल है ये स्टॉक है। तो स्टॉक में हमेशा अभी फिलहाल जो एनएससी के रूल्स है वो मंथली एक्सपायरी होता है, सिर्फ इंडेक्स में अपने पास वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है। तो सारे के सारे एक्सपायरी डेट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 29th of March है जो कि डेराइवेटिव का एक्सपायरी है मार्च का, मतलब लास्ट थर्सडे अगर कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसे समझते हैं, इसके बाद इसका पीएनएल देखेंगे, आरआर रेशियो देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, सारी चीजें इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड मैं आपके सामने आईटीसी का टेक्निकल एनालिसिस लेकर के आऊंगा एंड उसके बिहाफ पे मैं एक स्ट्रेटजी डेवलप करूंगा। सो उस स्ट्रेटजी को देखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे। आइए देखते हैं यहाँ पे जो SBI का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 561 का, एंड हमने जो कॉल बाय किया है वो किया है जो नियरेस्ट अपने पास है स्ट्राइक प्राइस, मतलब जस्ट आउट ऑफ द मार्केट, वो क्या किया है 565 का कॉल बाय किया है, एंड उसी के नियरेस्ट जस्ट आउट ऑफ द मार्केट जो पुट है उसको भी हमने यहाँ पे 555 को हमने बाई किया है, 555 के पुट को बाई किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी हमने बाई किया है वो एक एक लॉट किया है, बट सेलिंग साइड हम लोग जा रहे हैं तो हमने दो दो लॉट सेल किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो 565 है इसके नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो आता है आउट ऑफ द मार्केट का 570, जिसका दो लॉट हमने सेल किया हुआ है। मोटिव क्या है, जो भी प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं उससे ज्यादा रिसीव करना, तो यहाँ पे ₹11 एक लॉट पे कर रहे हैं एंड ₹9 दो लॉट पे रिसीव कर रहे हैं, वैसे ही हमने पुट में भी किया है। जस्ट इसके नेक्स्ट जो आउट ऑफ द मार्केट का पुट है उसे हमने बाई किया है, दो लॉट बाई किया है, यहाँ पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 8.4 है, बाइंग में हम लोग पे करते हैं एंड सेलिंग में हम लोग रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने ये सेल किया है पुट को 6.55 प्रीमियम दो लॉट पे रिसीव कर रहे हैं। जो रिजल्ट पे ऑफ ग्राफ है वो अभी देखते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे अपने सामने अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो ओपन है। अभी मैं आपके सामने इस अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड भी बनाऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 24,000 का प्रॉफिट है एंड ये जो दो पीक बने हैं ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है अपने पास, ये भी अभी देखेंगे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा है। ब्रेक इवन पॉइंट जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नियर अबाउट उसी का है, डाउनसाइड का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 533 का है, अपसाइड का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 586 का है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था 574-572 के आसपास का, बट उससे 10-12 रुपए और ऊपर है। यहाँ पे पीओपी जबरदस्त है फ्रेंड, हमने आपसे डिस्कस किया था, हम भी जो भी स्ट्रेटजी जो मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का वो मोर देन 35% का रहता है, यहाँ पे अपने पास लगभग उसका डबल है, 61% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा स्ट्रेटजी एक अच्छा स्ट्रेटजी है, अच्छे स्ट्रेटजी के कैटेगरी में हम लोग इसे रखते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है बैटमैन स्ट्रेटजी। जी हाँ फ्रेंड, बैटमैन स्ट्रेटजी, क्योंकि जस्ट लाइक ये बैट का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किए हुए हैं तो आपको ये पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम भी हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं आपके पास, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अदर्स पे आता हूँ न्यूट्रल पे, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, इस स्ट्रेटजी का नाम है बैटमैन स्ट्रेटजी। ठीक है, आइए चलते हैं एंड देखते हैं कि अब इस स्ट्रेटजी को हमें न्यूट्रलाइज करना हो, मतलब क्या अनलिमिटेड जो लॉस है यहाँ पे उसको लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसके पहले आते हैं एंड समझते हैं कि ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं कि 550 डाउनसाइड का 550 पे अगर सेटल होता है SBI ऑन एक्सपायरी तो 24,700 का प्रॉफिट है मैक्सिमम, एंड वहीं अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो ये 570 का पॉइंट है, अगर अपसाइड में SBI 570 पे सेटल होता है तो 24,700 का ऑन एक्सपायरी प्रॉफिट है। अब इसे हमें क्या करता है, न्यूट्रलाइज अनलिमिटेड प्रॉफिट को हटा देना है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है फ्रेंड, यहाँ पे हमने कॉल साइड में बेसिकली क्या किया है
कि हमने एक लॉट बाय किया है, दो लॉट सेल किया है, सेम एज इट इज पुट साइड। मतलब क्या, ये पोजीशन न्यूट्रल नहीं है, बाइंग से ज्यादा सेलिंग है। मतलब क्या, एक लॉट जो हमने बाय किया उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट हमारे पास यहाँ पे दो लॉट सेलिंग है, तो दो लॉट में सेल में क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस। तो एक लॉट कॉल का और हमें बाय करना पड़ेगा एंड पुट का हमें और बाय करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि हम लोग किसी भी स्ट्रेटजी को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक लॉट कॉल का और बाय करेंगे एंड पुट का भी बाय करेंगे। तो चलिए 10-10 पॉइंट के डिफरेंस पे हम लोग यहाँ पे कॉल भी बाय करते हैं एंड पुट भी बाय करते हैं। यहाँ पे 570 जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस है वो हमने सेल किया हुआ है, आते हैं एंड 580 अगर हम लोग सेल आउट करते हैं, बाइंग करते हैं तो, या फिर 585 का हम लोग बाई करते हैं एक लॉट एंड 15 पॉइंट के डिफरेंस पे है। यहाँ भी आते हैं एंड 15 पॉइंट के डिफरेंस पे अगर हम लोग बाई करने जाते हैं तो 535 आता है फ्रेंड, एंड यहाँ पर हमने बाई किया एंड यहाँ पर हमने इसको डन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो अनलिमिटेड लॉस था वो लॉस लिमिटेड हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी भी बेहतरीन है फ्रेंड, एंड डाउन साइड का ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा अप आ गया है, ठीक है। वो अपना जो टारगेट था वो लगभग 525 के आसपास था, ये 541 है, तो हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट अपसाइड का है वो 572 था, तो अपसाइड में 578 के आसपास का है। तो मैंने आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि हम लोग अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड कैसे कर सकते हैं, एंड ये एक फाइनल स्ट्रेटजी है। इस पॉइंट के बाद हमारा लॉस फ्लैट हो जाएगा एंड अपसाइड में इस पॉइंट के बाद हमारा लॉस फ्लैट हो जाएगा, एंड दिस इज अ स्ट्रेटजी, करेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आईटीसी का ऑप्शन स्ट्रेटजी बताएंगे, बनाएंगे एंड सारी की सारी सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अगर अपसाइड जाना होगा तो अपसाइड के स्ट्रेटजी बनाएंगे, डाउनसाइड का मूव प्रेडिक्टेड होगा तो डाउनसाइड का स्ट्रेटजी बनाएंगे, अगर किसी रेंज में घूमने वाला होगा तो पूरे के पूरे रेंज को लेकर के स्ट्रेटजी बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड फैमिली कलीग के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्रेंड, एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दो। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम एसेट कंपाउंडर अकेडमी टीम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।